और भाई लोग हाल चाल है? सब एकदम ठीक ठाक? तो आखिरकार यार तुम लोग क्लास टेंथ में आई गए, तो कैसा लग रहा तुम्हारे क्लास टेंथ में आके? यार वही पुराना बेंच और वही सरासा टीचर का थोपरा और वही कमीने दोस्त, मतलब कुछ बदला ही नहीं यार। लेकिन तुम्हारा सिलेबस बदल चुका है भाई। तो चलो यार आज की कहानी को शुरू करते हैं, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो यार इस कहानी में ना एक औरत होती है जिसका नाम हमें नहीं बताया गया, ठीक है, बस इतना बताया कि वो मिस्टर पम्फ्रे की वाइफ है, इसीलिए उसे हम लोग मिसेस पम्फ्रे कहते हैं। ठीक है, और उसका एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम है ट्रिकी, और भाई वो अपने कुत्ते से इतना प्यार करती थी ना जितना कि तू तो अपनी बंदी से नहीं करेगा भाई, समझ रहे हो तुम। और भाई इस कहानी में एक डॉक्टर भी है जिसका नाम है मिस्टर हैरियट। ठीक है, उसका पूरा नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट, क्योंकि भाई इसी ने इस कहानी को लिखा है, यानी कि हमारे राइटर भी यही है। ठीक है, तो यार मिसेस पम्फ्रे जो है ना वो अपने कुत्ते ट्रिकी को लेके वो रास्ते में घूम रही थी, गली के रास्तों में घूम रही थी, और तभी यार मिस्टर हैरियट आते हैं वहां कार से। ठीक है, और वो उस कुत्ते को देखते हैं और देखते ही कहते हैं कि यार ये कितना मोटा हो चुका है, वो बहुत ही चिंता व्यक्त करते हैं उस पर। ठीक है, वो कहते हैं यार ये तो बहुत ही ज्यादा मोटा हो गया यार, और वो बताते हैं कि वो कुत्ता कैसा दिख रहा था। वो बताते हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी फूल के एकदम गुब्बारा हो चुका है, और उसके चार कॉर्नर पे उसकी चार टांगे लगी हुई है, और उसकी आंखें हो भाई साहब एकदम पूरा लाल हो रखा था खून के समान, समझ गए, और वो एकदम सामने देख रहा था मिस्टर हैरियट की तरफ, और उसने अपना जीभ भी बाहर निकाल रखा था और वो हांफ रहा था। और फिर ये मिसेस पम्फ्रे के पास जाते हैं, उनसे हाय हेलो करते हैं, फिर मिसेस पम्फ्रे इनको बताती है कि मिस्टर हैरियट मुझे ऐसा लगा कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो चुका है, कुपोषण का शिकार हो गया है, इसीलिए मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर दिया, जैसे कि मैं इसे मिल्क देती थी, कर्ड लीवर ऑयल देती थी, और रात में सही से सो सके इसलिए मैं इसे एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। अब इतना तो दे दिया, आपका पूरा मैकडोनल्ड्स के नाम करवा देगी हैं? और फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या तुमने इसे मीठा देना बंद किया जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? और तब मिसेस पम्फ्रे कहती है हाँ मैंने इसे मीठे पे कंट्रोल तो किया था, लेकिन जैसा कि आपको पता है इसे क्रीम केक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे रोक नहीं पाई और ये मुझे बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था इसलिए मैंने इसे अलाउ कर दिया खाने के लिए। और फिर मिस्टर हैरियट जो है ना वो मन ही मन सोचते हैं अरे पागल औरत यही तो समस्या है, तूने इसे मीठा दिया क्यों? क्योंकि देखो यार ट्रिकी का मोटा होने का बस एक ही कारण था कि वो जब चाहे तब खा लेता था, मतलब कि कभी उसका रोकथाम नहीं था कि कब खाना है कब नहीं खाना है, जब मन तब खा लेता था, कभी दिन में खा लेता कभी रात में खा लेता कभी दोपहर में, जब मन तब किया वो खा लेता था, और इसी के कारण वो मोटा होता जा रहा था, क्योंकि लालच बुरी वाला है, तुम जितना खाओगे उतना मोटा होते जाओगे। और फिर मिस्टर हेड कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है तुमने मीठा दे दिया, लेकिन क्या तुम ऐसा प्रॉपर एक्सरसाइज करवा रही हो, एकदम जम के एक्सरसाइज करवा रही हो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था? और फिर मिसेस पम्फ्रे कहती है कि हाँ मैं इसे वॉक पे तो ले जाती हूँ। अब सिर्फ वॉक पे ले जाने से क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज करवाओ, एकदम जम के एक्सरसाइज करवाओ ना, खैर यार हमें क्या, कुछ भी करवा है वो। तो वो कहती है हाँ मैं इसे वॉक पे ले जाती हूँ, लेकिन जो हमारा गार्डनर है हॉर्ड किंग, यानी कि हॉर्ड किंग जो है उनका गार्डनर है, ठीक है, वो भी थोड़ा बीमार चल रहा है, उसके लोअर बैक पेन वगैरह में थोड़ी दर्द है लोअर के हिस्से में, इसलिए वो हम लोग रिंग वाला एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहे हैं अभी। वो जो रिंग वाला एक्सरसाइज नहीं होता भाई, जो रिंग फेंकते हैं तो कुत्ता लेके आता है, कभी रिंग टांग देते हैं तो कुत्ता उसमें से घुस जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होता है रिंग को लेके यार, तो वो एक्सरसाइज अभी नहीं हो रहा है ऐसा बताती है मिसेस पम्फ्रे। और तब भाई मिस्टर हैरियट एकदम सख्त लौंडे बन जाते हैं, वो कहते हैं क्या तुम इसे एक्सरसाइज नहीं करवा रही हो प्रॉपर ढंग से, ऊपर से खाना भी देते जा रही हो, तो ये ठीक कैसे होगा, ये तो और ज़्यादा मोटा होता चले जाएगा, मतलब कि यार वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा है ना अगर तुमने इसे खान पीन पर कंट्रोल नहीं किया ना तो ये और ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और फिर तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है, इसीलिए तुम इसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओ, एकदम जम के एक्सरसाइज करवाओ, और ज़्यादा एक्सरसाइज करवाओ, जितना करवा रही हो उससे दुगना करवाओ, और इसे खान पीन पर पूरा कंट्रोल करो। और फिर मिसेस पम्फ्रे कहती है ठीक है मिस्टर हैरियट जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, लेकिन आपको तो पता ही है ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अपने ही प्यारे कुत्ते को खाना ना देना और जम के एक्सरसाइज करवाना ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है मेरे लिए। और फिर मिस्टर हैरियट तुम्हें बताते हैं, यानी कि हमें बता रहे हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है ना वो रोड के किनारे अपना सर झुकाकर चलने लगी, और मानो ऐसा लगा ना कि वो अपने नए डिसीजन पे, यानी कि जो अभी उसने डिसीजन लिया कि कुत्ते को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाएगी उस पर वो सही करेगी, यानी कि उस पर वो काम करेगी और कुत्ते को सचमुच में यार भाई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवाएगी। और फिर मिस्टर हैरियट वहीं पर खड़े होते हैं और ट्रिकी को जाते हुए देखते रहते हैं, वो लड़खड़ाते हुए जा रहा था, उसने अपना ऊनी कोट पहन रखा था और लड़खड़ाते हुए वो जा रहा था, वो उस पर चिंता व्यक्त करते हैं, मतलब कि टेंशन लेते हैं थोड़ी, उनकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कितना मोटा होते जा रहा है कैसे ठीक होगा, ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि ट्रिकी जो ऊनी कोट पहन के जा रहा था उसके पास ऐसे बहुत सारे परे हुए हैं, उसकी पूरी अलमारी भरी पड़ी है, मतलब गर्मी के लिए एक अलग ही है, सर्दी के लिए एक अलग ही है, मतलब कि हर सीजन के लिए अलग अलग कोट है इसके पास। और भाई फिर मिस्टर हैरियट समझ गया कि शीघ्र ही यार मिसेस पम्फ्रे के द्वारा बुलावा आएगा उन्हें, ठीक है, यानी कि मिसेस पम्फ्रे उन्हें बुलाएगी कि मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, आप इसे प्लीज़ ठीक कर दो, ऐसा वो समझ चुके थे। और भाई बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कुछ ही दिन बाद भाई मिसेस पम्फ्रे जो है वो मिस्टर हैरियट के पास आती है और वो बहुत ही दुखी दिख रही थी और बताती है कि ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया है, वो कुछ भी नहीं खाता है,
और अपना मनपसंद जो भोजन था उसने वो भी छोड़ दिया है, और बार बार वो उल्टियाँ करते रहता है और दिन भर हाँफते हुए बिताता है, यानी कि बस जीभ निकाल के हाँफते रहता है, और ना तो वो कहीं घूमने जाता है और ना ही कुछ करता है, बस दिन भर लेटा रहता है। और भाई मिस्टर हैरियट ने सब चीज़ पहले ही प्लान कर लिया था, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो जानते थे उसकी असली बीमारी क्या है, ज़्यादा लार प्यार ही उसकी असली बीमारी थी, इसलिए वह जान चुके थे कि उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए, यानी कि उसे लगभग लगभग 15 दिनों के लिए आप इसे अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, हमारी देखरेख में रहेगा, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही मिसेस पंपरी ये सुनते हैं कि इसे कुछ दिनों के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए इसे हॉस्पिटल में रखना है, भाई वो बेहोश हो जाती है। वो कहती है, क्या 15 दिन, मैं इसे देखूंगी कैसे? नहीं देखूंगी तो तड़प तड़प के मैं मर जाऊंगी, ऐसा वो सोचती है। और फिर अपने कलेजे पे पत्थर लग के कहती है, ठीक है आप इसे ले जाइए। भाई यहाँ पे फॉर्टनाइट जो लिखा है ना, इसका मतलब है 15 दिन तक, ठीक है। और भाई वो जानते थे कि अगर मैं ज्यादा देर रुका तो मिसेस पम्फ्रे का माइंड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो उस कुत्ते को, यानी ट्रिकी को, कंबल में लपेटते हैं और कार की तरफ लेके भागने लगते हैं, यानी कि जाने लगते हैं। और तभी वो पीछे देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे जो है ना वो रो रही थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा उदास थी और रो रही थी। और भाई वो जल्दी जल्दी कार में बैठते हैं, तभी भाई उसके जितने भी कर्मचारी थे, यानी कि मिसेस पम्फ्रे के जितने भी कर्मचारी थे, नौकर थे, वो उस कुत्ते के लिए बहुत सारा चीज़ें लेके आ रहे थे, जैसे कि यार दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, गर्मी के बिस्तर, सर्दी के बिस्तर, खिलौने, उसके प्यारे से गद्दे, मतलब कि दिन का कटोरा, नाश्ते का कटोरा, भोजन का कटोरा, रात कितना कटोरा है बे, मतलब कि जो भी अलग अलग चीज़ था उसके लिए, वो सारा चीज़ वो लेके आ रहे थे उस कार में रखने के लिए। लेकिन यार इतना सारा सामान कार में अटेगा नहीं, इसलिए वो जल्दी जल्दी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की ओर ले जाने लगते हैं। और तभी भाई मिसेस पम्फ्रे जो है ना वो मुंह लटकाते हुए आती है, यानी कि सारा सा अपना मुंह बनाकर आती है, और कुछ कोट, जो कुत्ते के कोट होते हैं, वो खिड़की के द्वारा गाड़ी के अंदर फेंक देती है। और भाई फिर मिस्टर हैरियट जो है ना वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और फिर जो उसके बगल में वो कुत्ता होता है, मिस्टर हैरियट के बगल में जो सीट पे कुत्ता बैठा होता है, वो उस बूढ़े कुत्ते को देखते हैं, उसके सर पे हाथ देते हैं, जैसे ही हाथ देते हैं वो पूंछ उछ हिलाता है, ठीक है। और फिर वो उस कुत्ते से कहते हैं, बेचारा बूढ़ा कुत्ता, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो मुझे पता है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन इलाज है तुम्हारे लिए, तुम एकदम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जैसे ही मिस्टर हैरियट जो है ना वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जितने भी बाकी कुत्ते थे वहां पर, वो आके मिस्टर हैरियट को घेर लेते हैं, ठीक है, और वो ट्रिकी को नीचे उतार देते हैं। तभी जितने भी कुत्ते हैं वो उस ट्रिकी को देखते हैं, ट्रिकी कुछ भी नहीं बोलता भाई, वो एकदम शांत सा होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं होती है। तो जो भी बाकी कुत्ते थे वो उसे सूंघते हैं और देखते हैं ये तो यार मरा सा दिख रहा है, तो वो उसे छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि उसका कोई भी इंटरेस्ट, दूसरे कुत्तों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता इस ट्रिकी में, ठीक है, तो वो वहां से चले जाते हैं। और ट्रिकी भाई बिल्कुल एकदम मरा सा दिख रहा था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी, ठीक है। और फिर मिस्टर हैरियट जो है एक गर्म खुले संदूक में उसके लिए बिस्तर लगा देते हैं, जहां बाकी कुत्तों का बिस्तर लगा हुआ था, ठीक है, उसी के बगल में वो उसका बिस्तर भी लगा देते हैं। और 2 दिन तक भाई उसे कुछ भी नहीं देते सिवाय पानी के, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इसे खाना दूंगा तो ये और भी ज्यादा मोटा हो जाएगा, इन्हें उन्हें पता था कि उसकी असली बीमारी क्या है। तो वो 2 दिन तक उसे कुछ भी नहीं देते हैं सिवाय पानी के। और फिर दूसरे दिन जैसे खत्म होता है तो वो कुछ रुचि जगाता है, मतलब कि यार वो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है, उसके अंदर थोड़ी सी जान आ जाती है, वो थोड़ा अपना मुंडी उंडी इधर उधर घुमाता है, पैर वैर हिलाता है, ठीक है। और बस तीसरे दिन जाकर वो आवाज निकालता है, जैसे अक्सर कुत्ते आवाज निकालते हैं भाव भाव करके, ऐसा वो आवाज निकालता है जब एक दूसरे कुत्ते को वो सुनता है आवाज निकालते हुए, ठीक है। और फिर मिस्टर हैरियट जाके उसका दरवाजा खोलते हैं, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो वहां से निकलता है तेजी से, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल के जो भी कुत्ते थे और भी था उसके साथ जाता है, और जो नाम के एक शिकारी कुत्ते को वो घेर लेता है, वो सारे के मिलकर घेर लेते हैं। और जैसे कुत्ता अक्सर करते हैं भाई, मतलब कि उसके लुढ़काते हैं, जो भी उसको जो भी हरकत करते हैं कुत्ते यार वो करने लगता है, ठीक है। और फिर सारे कुत्ते जो है ना वो गार्डन में चले जाते हैं, और उन्हीं के पीछे पीछे ट्रिकी भी है, वो दौड़ते हुए जा रहा था, मोटा सा था भाई, एकदम हिलते डुलते वो जा रहा था धीरे धीरे में, ठीक है। और फिर मिस्टर हैरियट बता रहे हैं कि उस दिन भोजन के समय में वहां पे था जब ट्रिस्टन जो है ना वो खाना लगा रहा था, ठीक है, कुत्तों के लिए। ट्रिस्टन जो है वहां का देखभाल करने वाला है, कुत्तों को देखता है, ठीक है। तो जैसे उसने कुत्तों के लिए, सारे कुत्तों के लिए खाना लगाया, सारे कुत्ते दौड़ते हुए खाने की तरफ गए। और भाई सबको पता था कि अगर वो दौड़ते हुए नहीं जाएंगे तो जो पहले पहुंचेगा वो वहां पर खाना खा लेगा और कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तो भाई सब गए वहां पर, सबने खा लिया, और फिर पीछे से ट्रिकी दौड़ता हुआ, मोटा सा था भाई, धीरे धीरे जाएगा दौड़ते हुए। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि भाई कटोरे में कुछ था नहीं, तो बस थोड़ा सा जीभ से चाटा वाटा कटोरे को, और फिर वो वहां से चला गया। और फिर भाई अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा कटोरा लगाया गया भोजन का, ठीक है। और फिर ट्रिकी जो है ना वो बहुत तेजी के साथ लड़ते झड़ते, यानी कि बाकी कुत्तों के साथ रेस लगाते हुए दौड़ते हुए अपने कटोरे के पास पहुंचा। और भाई ये सब चीज़ देख के ना मिस्टर हैरियट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें पता था कि मैंने इसे कोई ना मेडिसिन दिया है, कुछ भी नहीं दिया, और लेकिन ये फिर भी ठीक हो रहा है। और उस दिन से भाई उसके अंदर एक तेजी से इंप्रूवमेंट आए, ठीक है, मतलब कि यार वो बहुत ही ज़्यादा अब तेजी से वो ठीक हो रहा था। और फिर मिस्टर हैरियट जो है ना उसकी हरकतों के बारे में बताते हैं कि वो जो है, यानी कि ट्रिकी जो है वो बाकी कुत्तों के साथ दिन भर दौड़ते रहता था, और जो भी वो झगड़ा करते थे, यानी कि दूसरे कुत्ते के साथ वो झगड़ा करते थे, तो उसमें भी वो शामिल हो जाता था उस झगड़े में भी, और फिर वो
जो भी उसका झगड़े का सिलसिला था वो झगड़ा करता था। मानो ऐसा लग रहा था कि जितने भी वहां के कुत्ते हैं उनका वो एक सदस्य बन गया, एक मेंबर बन गया, ठीक है, यानी कि उन सब में यार बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई हो ऐसा लग रहा था उन्हें। और रात में वो लोग मुर्गी फार्म में जाते हैं और जाके वहां पे चूहे को मारने का काम करते हैं, जैसा कि बाकी कुत्ते करते थे वैसा ट्रिकी भी करता था वो, मतलब कि एकदम घुल मिल सा गया था, ठीक है, और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ठीक भी हो रहा था। और वहीं पे मिसेस पम्फ्रे जो है वो अपने कुत्ते के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी कि मेरा कुत्ता ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसी के रिगार्डिंग में वो मिस्टर हैरियट को बार बार फोन करती थी और पूछती रहती थी क्या उसका वो ठीक हो रहा है, क्या उसके जो कपड़े हैं वो चेंज किए जा रहे हैं मौसम के अनुसार में, जो भी उसका कोट है वो चेंज किया जा रहा है, क्या उसके बेड यानी कि बिस्तर उस्तर बदले जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे बेहूदे सवाल वो पूछती रहती थी। और मिस्टर हैरियट जो है ना वो उसे टाल देते थे, कहते भाई क्या पूछ रही बार बार। और फिर मिस्टर हैरियट जो है वो मिसेस पम्फ्रे को बता देते कि हाँ अब आपका कुत्ता जो है वो ठीक हो रहा है, ठीक है, उसने खाना पीना शुरू कर दिया है। और भाई जैसे ही वो ये वर्ड सुनती है कि वो ठीक हो रहा है और खाना पीना शुरू कर दिया, भाई वो डेली 2 दर्जन अंडे उसके लिए भिजवाती थी ताकि उसका जो कुत्ता है वो मजबूत हो सके, ठीक है। तो भाई जो भी अंडा आता था ना मिस्टर हैरियट खुद और जितने भी उनके कर्मचारी थे उन सब वो आपस में मिल बांट के खा लेते थे। और फिर भाई कुछ दिन बाद शराब यानी कि अल्कोहल भी आने लगा, शराब की बोतलें दारू वारू आने लगा उसके कुत्ते के लिए, तो भाई वो शराब भी पीने लगे, मतलब कि उनकी मस्त जिंदगी कट रही थी भाई, समझ गए। और भाई हद तो तब हो गई जब उस कुत्ते के लिए ब्रांडी भी आने लगा, ठीक है, मिसेस पम्फ्रे जो है उसके लिए ब्रांडी भेजती थी। और मिस्टर हैरियट और उनके जितने भी कर्मचारी है भाई वो दो दो अंडे तो डेली खाते ही थे, ठीक है, तो 2 अंडे वो नाश्ते में खा लेते थे, दोपहर में भाई शराब पीते थे खाने के साथ में, ठीक है, खाने के साथ में पीते थे, उससे पहले भी पीते थे, और रात में मस्त भाई आग वाग लगा के ब्रांडी का एकदम स्वाद चखते थे, यानी कि रात में ब्रांडी पीते थे। मतलब कि जितना भी खाना आ रहा था उस कुत्ते के लिए वो कुत्ता को ना देकर और खुद और जितने भी उनके कर्मचारी हैं जितने भी उनके नौकर हैं वो सब मिलवा के खा जाते थे। और भाई एक समय के लिए तो मिस्टर हैरियट ने ये भी सोच लिया कि क्यों ना इसे परमानेंटली अपने गेस्ट बनाकर रख लिया जाए, ताकि ऐसे ऐसे दारू ब्रांडी मतलब क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा भाई, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे भाई मतलब। और फिर वो कहते हैं कि नहीं यार लालच बुरी बरा है, मैं इसे यहाँ पे नहीं रखूंगा, ठीक है। और जैसे ही 15 दिन पुरता है मिसेस पम्फ्रे को वो कॉल करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आपका कुत्ता जो है वो ठीक हो चुका है। और भाई उसे कुछ ही मिनट बाद एक लंबा 30 फीट का ब्लैक कार भाई उनके दरवाजे के सामने आके उनके गेट के सामने आके लग जाता है और वहां से ड्राइवर उतरता है और गेट को खोलता है। और जैसे वो गेट को खोलता है हैरियट जो है वो वहां से अनुमान लगा रहे हैं, घर में बैठे बैठे जैसे उस कार को देखते हैं वो समझ जाते हैं कि मिसेस पम्फ्रे आ गई हैं अपने कुत्ते को लेने के लिए। तो वो चिल्ला कर कहते हैं कि आपको यहाँ से उतरने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अपने कार से उतरने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और आपके कुत्ते को लेके आता हूँ। और फिर वो घर में घुसते हैं, घर में घुसते हुए वो सीधा गार्डन में जाते हैं, गार्डन में से उस कुत्ते को उठाते हैं अपने गोद में, ठीक है, ट्रिकी को यानी कि, और फिर घर के रास्ते से ही वो वापस आते हैं। और जैसे ही वो उस सामने ले आते हैं कुत्ते को, कुत्ता जैसे अपनी मालकिन को देखता है यानी कि मिसेस पम्फ्रे को देखता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गोद में से उछल के यानी कि मिस्टर हैरियट के गोद से उछल कर वो सीधा अपने मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला जाता है, ठीक है, दौड़ते हुए। और जैसे ही वहाँ पर जाता है वो बहुत ही आवाज़ निकालना भाव भाव अपने मालकिन को देखता है भाई, एकदम खुश हो जाता है, ठीक है, वो एकदम भाव आवाज़ निकालता है, उनके जीभ से मुँह चाटने लगता है जैसा कि कुत्ते अपने हरकत करते हैं, कुत्तों वाली हरकतें, ठीक है, वैसा ही वो भी करता है। और भाई फिर मिसेस पम्फ्रे को अपने आप को बचाना होता है, ठीक है, क्योंकि भाई जो कुत्ता होता है वो उनके साथ में खेलने लगता है, ठीक है। और भाई वहीं पर दूसरी और मिस्टर हैरियट जो है ड्राइवर का हेल्प कर रहे थे ताकि वो जितने भी कुत्ते का सामान है, जो भी उसका गद्दा है, बिस्तर है, खेलने का सामान है, कटोरा वटोरा जो भी मतलब वो लेके आए थे वो सभी पैक करवा के उस गाड़ी में रख रहे थे, ठीक है। और भाई फिर थोड़ी देर बाद ही मिसेस पम्फ्रे जो है वहां से जाने लगती है। और जैसे ही वो थोड़ा दूर आगे बढ़ती है यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ती है वो खिड़की से अपना मुंडी निकालती है और वो चिल्ला के कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, कैसा शुक्रगुजार करूं। और फिर वो कहती है दिस इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो भाई यहीं पे तुम्हारा आज का ये कहानी खत्म होता है, ठीक है। तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली भाई? तुम्हें इस कहानी से यह सीख मिली कि भाई ज्यादा प्यार भी हानिकारक ही होता है, ठीक है। जैसा कि मिसेस पम्फ्रे ने अपने कुत्ते के साथ किया, वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी तो वो भी भाई उसके लिए हानिकारक ही हुआ, ठीक है। मतलब यार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तुम जो भी कुछ एक्सेस करते हो वो सभी खराब है, ठीक है। तो ज्यादा प्यार भी मत करो, समझ गए। तो चलो तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना, ठीक है। और मुझे अभी तक तुमने इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे कहीं भी फॉलो नहीं किया हो तो फॉलो कर लो यार, ठीक है। और अगर तुमने अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में।